पहले सब्सक्राइब करें फिर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हर साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी अलमारूफ बाबन साहब पहाड़ी दरगाह शरीफ का संदल बड़े ही जोश व अकीदत के साथ मनाया गया। संदल माली का इनेखाद खिला चौराहा बमुकाम बमकान सज्जादा नशीन सैयद मजहर आलम की ख़यामगाह से अमल में आया। ये संदल खिला चौराहे से होते हुए अमन नगर होते हुए दरगाह शरीफ पर पहुंचा और यहां पर दरगाह शरीफ पहुँच कर मरासिम संदल अदा किए गए और आशिकाने वली अल्लाह ने बड़ी ही कसीर तादाद में इस संदल शरीफ में शिरकत की और दरगाह पहुँच कर संदल शरीफ की तकरीब में जोश व अकीदत के साथ शिरकत करते हुए दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए और चादरें गुल चढ़ाई। यहाँ इस मशहूर व मारूफ दरगाह पर पास पड़ोस की रियासत के जायरीन भी बड़ी ही अकीदत के साथ हाजिरी देने हर साल आते हैं और इस साल भी कसीर तादाद में जायरीन देखे गए। मर्द ख्वातीन छोटे बच्चे ज़ईफ़ हजरात तमाम ही जायरीन ने यहाँ पहुँच कर बारगाह शरीफ पर हाजिरी दी और अकीदत के नजराने पेश किए, सलाम और दुरूद के नजराने पेश करते हुए खुसूसी दुआएं की। संदल के मौके पर बाबन साहब पहाड़ी इलाके में एक मेले का भी मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पर मुख्तलिफ अकसाम के ताजरीन मुख्तलिफ किस्म की दुकानें कायम करते हैं और झूले वगैरह का भी बच्चों के लिए एहतमाम होता है। यहाँ बच्चे और बड़े झूलों से भी लुत्फानंदोज होते हुए देखे गए तो खिलौनों की दुकानों पर बच्चों की खिलौनों की खरीदी की कसीर तादाद देखी गई। सैयद मजहर आलम सज्जादा नशीन ने बताया कि वली अल्लाह के आस्ताने फैज व बरकत का मरकज होते हैं और हर साल जायरीन यहाँ बड़े ही अकीदत के साथ इस दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते हैं और फैज व बरकत से मालामाल होते हैं।
Thank you.